चटनिया है सैया सिलवट पे पीसी चटनिया काहे खिसी आइल बाड़ू जान ले बुका हो बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो। जैसन सोचले रहनी वैसन पिया मोर बड़े। बाय नेचर राधा बहुत अच्छी हैं और घर गृहस्थी में भी ये निपुण हैं। गोरिया चांद के अंजोरिया नियन गोर बाड़ हो। आपके जो पति देव हैं अमित जी, मुझे लगता है कि हर खुशी आपको देते होंगे। मेरे पति देव जी मतलब बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं। वैसे राजा करेजा में समाजा हो मच्छर काटा था ये सब हमारी माँ हमको सिखाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को सुप्यार। दोस्तों आज मैं आपको बताऊं कि एक हंस का जोड़ा मेरे पास खूबसूरती के साथ आप देख सकते हैं। ये साइड और एक साइड यानी कहा जाए तो एक पति और पत्नी है और एक टीवी रियलिटी शो जो होता है वहाँ से ये फेमस हुए थे। और जहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों का जो धमाल हुआ था काफ़ी अच्छा ही धमाल हुआ था। जो सबसे पहले इनका जो गाना जो फेमस हुआ था चटनिया करके, आम का चटनिया। तो चलिए हम बात करते हैं, रूबरू हम करवाते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है भैया। बहुत धन्यवाद। और एआरएन रिपोर्टर और बिहारी बाबू हेमराज इस दोनों यूट्यूब चैनल पे जितने भी लोग आपके दर्शक हैं आप सभी लोगों को हमारा प्रणाम और फिर उसके बाद आपको भी स्वागत है जी। मेरे तरफ से भी जितने श्रोता देख रहे हैं सभी को प्रणाम, आपके दोनों यूट्यूब चैनल पे सभी को प्रणाम। अच्छा, ये पहली बार आप औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आए और ओबरा महोत्सव जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें कैसा लगा आपको? हाँ जी, हम पहली बार आए यहाँ पे शहर में और ओबरा महोत्सव में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ का जो मतलब यहाँ के जो ऑडियंस थे बहुत अच्छे थे और जिन्होंने ये हमें आमंत्रित किया वो लोग भी बहुत अच्छे थे, तो बहुत अच्छा रहा हमारा मतलब यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा, आपका जो सबसे पहला जो गाना जो फेमस हुआ था चटनिया, हम चाहेंगे कि उसको एक बार गा के सुनाते। हाँ ज़रूर सुनाएंगे। हर चैत के महीना के हर लागल कटनिया ए चटनिया है सैया सिलवट पे पीसी चटनिया है सैया सिलवट पे पीसी। हाँ, बहुत ही अच्छा। और ये गाना जो था काफ़ी पॉपुलर हुआ था और इस देश विदेश में भी ये चला था। ऐसे सुनने में आता है कि मियाँ बीवी दोनों जो हैं पति पत्नी बहुत ही एक प्यारा हंस का जोड़ा है। और अमित जी भी आज जो रियलिटी जो यानी कहने का मतलब आज जो ओबरा महोत्सव में जो कार्यक्रम किया, मुझे नहीं पता था कि अमित जी एक अच्छे गायक भी हैं, गाते भी हैं और साथ में मुझे ये भी नहीं पता था कि म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। और मगर कुछ लोगों ने बताया कि ये बहुत अच्छे गाते हैं और हमने आँखों के सामने देखा। तो अमित जी, आप अपनी प्यारी पत्नी जी यानी राधा श्रीवास्तव जी का आप जवाब देंगे गाने के थ्रू ही। राधा के लिए अब चूँकि चटनिया गाना है, आपने कहा रिप्लाई उनको देना है, तो भोजपुरी बड़ा खूबसूरत गाना है, हम चाहेंगे उस गाने से रिप्लाई दिया जाए। चूँकि जो बीवियाँ होती हैं उनके थोड़े नखरे होते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसे बड़ा खूबसूरत एक गाना है। काहे खिसी आइल बाड़ू जान ले बुका हो, काहे खिसी आइल बाड़ू जान ले बुका हो, बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो। अरे बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो। दोस्तों यहाँ पर आप हमेशा देखते हैं कि मेरे वीडियो में काफ़ी मज़ा आता है और आप लोग हमारे जितने सारे स्टूडेंट हैं और श्रोता लोग हैं काफ़ी आपको एंजॉय हमेशा देते रहते हैं। मगर एक हम एक अच्छे चीज़ लेकर आए हैं और हम चाहेंगे कि राधा श्रीवास्तव जी आप अपने पति को जवाब गाने के रूप में ही दे तो ज़्यादा बेटर है। गाने के रूप में जवाब, जैसन सोचले रहनी वैसन पिया मोर बड़े, सांवर न गोर बड़े हो। जैसन सोचले रहनी वैसन पिया मोर बड़े, सांवर न गोर बड़े हो। अमित जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी पत्नी से बहुत संतुष्ट रहते हैं और ऐसा मुझे लगता है कि राधा श्रीवास्तव जैसा ही सभी को पत्नी मिले, क्योंकि ये कितना अच्छे से घर भी चलाती है और कितना और सर सवर के जो स्टेज पर आती है या इनके गाने का जो अंदाज है जो काफ़ी अच्छा है, इसके बारे में क्या कहेंगे?
बाय नेचर राधा बहुत अच्छी हैं और घर गृहस्थी में भी ये निपुण हैं, कैसे सबको समझना चाहिए, परिवार कैसे चलाना होता है। हालांकि इनके जेठानी भी है, कहने का मतलब मेरी भाभी भी हैं, तो वो भी बहुत ख्याल करती हैं। और चूंकि हम लोग म्यूज़िक में हैं तो वो इस पर भी ध्यान देती हैं कि इनको थोड़ा गाना होता है, तो थोड़ा वो ज़्यादा काम कर देती हैं, इनको थोड़ा रोक देती हैं कि राधा रहने दो, हम कर लेंगे, तुम अपने गाने पे ध्यान दो। तो ये सपोर्ट भी मिलता है परिवार वालों की तरफ से, इससे राधा भी बहुत खुश होती हैं और हमें बेहद खुशी होती है कि चूंकि हमारा पूरा परिवार जो है वो संगीतमय है, सभी लोग घर में गाते बजाते हैं, तो राधा के रूप में हमें एक बहुत ही अच्छी गायिका भी मिली है मुझे पत्नी के रूप में, तो संतुष्टि तो रहेगी। तो हम चाहेंगे कि अगला जवाब आप क्या देंगे अपनी राधा को? अब ये तो अंताक्षरी जैसा हो रहा है। हाँ, क्योंकि मेरे चैनल पर सबसे ज्यादा अंताक्षरी ही होते हैं। एक और मैं चाहूंगा कि राधा के लिए हम एक और बड़ा प्यारा खूबसूरत गाना है वो मैं सुनाऊं। गोरिया चांद के अंजुरिया नियन गोर बाड़ हो, गोरिया चांद के अंजुरिया नियन गोर बाड़ हो, तुहर जोड़ के हो नहीं खे बेजोड़ बाड़ हो, तुहर जोड़ के हो नहीं खे बेजोड़ बाड़ हो। मुझे लगता है कि आपके जो पति देव हैं अमित जी, मुझे लगता है कि हर खुशी आपको देते होंगे। हाँ जी, मेरे पति देव जी मतलब बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और मेरे पति देव जी से मैं सीखती भी हूँ गाने, और मतलब हर मेरा मतलब जो परिवार है, पूरा परिवार है मेरा, जो ससुराल है मेरा घर है वो, हम ज़्यादा मतलब ससुराल और मायका नहीं बोलते हैं, मेरा मायका भी घर है, मेरा ससुराल भी घर है, तो दोनों को घर ही बोलते हैं। और मेरा जो घर है मतलब मेरे जो माँ पापा हैं, सास ससुर, यहाँ के माँ पापा, वहाँ के माँ पापा, पापा दोनों सेम हैं, और ऐसे यहाँ माँ पापा पूरा एकदम पूरा गाने का ख्याल रखते हैं कि कैसे क्या कैसे गाना है, हमेशा रियाज, तो पूरी फैमिली है मेरे पति देव जी, सारे लोग मतलब हमेशा मेरा मतलब ख्याल रखते हैं और मेरे गाने पे ध्यान देते हैं कि मुझे कब कैसे क्या करना है। अच्छा, पहली मिलन आपको कब हुआ था? पहला मतलब ये तो पापा मतलब मम्मी के थ्रू हमारा। अच्छा, अरेंज मैरिज हुआ। हाँ, अरेंज मैरिज है, क्योंकि पापा मतलब मेरे चाहते थे कि हम सिंगर हैं तो हम ऐसी फैमिली में जाएं, मेरा मतलब ऐसा घर हो जहाँ पे लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे पति जो हों वो मुझे सपोर्ट करें, तो पापा जैसा चाहते थे, पापा को मतलब वैसा घर वर मिल गया, और पापा जैसा मेरा घर था वैसे ही घर में पापा मतलब मेरे दो दो घर कर दिए पापा। हाँ, तो वैसे ही मेरा दो दो घर हो गया, जैसे वहाँ पे था वैसे यहाँ पे है। तो हम चाहेंगे कि छोटा सा प्यारा सा आप अपने हस्बैंड यानी कन्हैया के लिए गाना गाएंगे आज, अमित की जी के लिए नहीं, कन्हैया के लिए। कन्हैया के लिए। अच्छे, आपने टीवी शो में जो आपका लोग का आप पहले टीवी शो में आप कैसे गए? पहले रियलिटी शो में हम गए थे 2017 में, रंग पुरवैया, जो कि बिग गंगा पे आता था, जिसमें हमारे पति देव जी उसमें मेंटोर थे, हम सभी को सिखाते थे, तो पहले हम उसमें गए थे जो कि बिग गंगा पे आता था, सारेगामा पा रंग पुरवैया। उसके बाद फिर हम 18 में गए स्टार प्लस पे, स्टार प्लस दिल हिंदुस्तानी सीजन 2, जिसमें हम फाइनलिस्ट बने थे, और उसी गाने उसी शो में हम गाए थे चटनिया ऐसे यहाँ सिलवट पे पीसी। तो इस गाने के ज़रिए से देश विदेश से मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला, हर जगह से इस गाने को बहुत ज़्यादा प्यार मिला, और इसी गाने से हमारी पहचान बनी जी। अच्छा, आपका जो एक फेमस गाना था चटनिया, दूसरा और कौन फेमस है आपका जो आपका खुद गाना हो? वैसे गाने तो हम बहुत सारे गाते हैं, और सब लोग गीत ही गाते हैं, तो जो गाने हम गाते हैं सब पसंद करते हैं, और अभी हमारा जो फेसबुक पेज है राधा श्रीवास्तव आर्यस, हमारा यूट्यूब चैनल है, तो उस पर हमारी जो सासू माँ हैं उनसे हम बहुत सारे गाने सीख के डालते हैं, और उन्होंने हमें सिखाया था, अरे दहिया गाला ले सखी, दहिया गाला ले सखी, पियावा मिललबा सारा भी दहिया गाला ले सखी। हमारी जो सासू माँ है मतलब हमारी जो माँ है उनसे हम बहुत सारे गाने सीखते रहते हैं, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो पेज पे जो लोग जुड़े हैं, हमारे यूट्यूब पे जो लोग जुड़े हैं, वो जानते हैं कि हम लोग मतलब हमारा जो गाना है वो हम लोकगीत को लेके बढ़ रहे हैं, तो वैसे ही हमारी माँ हमें सिखाती रहती है, बहुत सारे गाने सिखाती हैं, और उस पर बहुत सारे लोग बहुत सारा प्यार भी देते हैं। वैसे राजा करेजा में समाजा हो मच्छर काटा था, ये सब हमारी माँ हमको सिखाई हैं, और
हम माँ के साथ भी गाने उन्हें डालते रहते हैं तो उसे बहुत सारा प्यार मिलता है। और कभी कभी मैं देखता हूँ खुद कि आपकी जो सासू माँ रहती हैं या आप रहते हैं, पीछे आप भी रहते हैं, कुछ ताल लगाते रहते हैं फेसबुक पेज पर तो हमेशा। हमारा जो पूरा फैमिली है, पूरा मतलब म्यूजिशियन फैमिली है, माँ पापा, हमारे पति देव जी, हमारे जो जेठ जी, हमारे भैया हैं, वो हमारी जो दीदी है, जो आज हम लोग खैर मतलब सब लोग हमको आज लेके आए थे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इतना भगवान, हम मतलब भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि जो लड़कियाँ मतलब अभी इस लाइन में हैं उनको ऐसा ही परिवार मिले और ऐसे ही सपोर्ट करने वाला घर मिले, जो कि मतलब बहू की तरह ने बेटी की तरह बना के रखे और उसको और आगे बढ़ाए। जैसे कि जब वो अपने मायके में रहती है तो उसके मम्मी पापा चाहते हैं कि मेरी बिटिया आगे बढ़े, वैसे ही मतलब मेरा जो दूसरा घर है वैसे यहाँ भी सब लोग चाहते हैं कि मेरी बिटिया आगे बढ़े, मेरी बहू आगे बढ़े, मेरी पत्नी आगे बढ़े। तो वैसे ही हम चाहते हैं कि जैसे और सारी लड़कियाँ हैं जो इस लाइन में हैं और जो संगीत को लेकर आगे बढ़ रही हैं, उनको भी वैसा ही परिवार, वैसा ही जीवन साथी मिले। और दोस्तों आप देखेंगे कि अमित जी से सीखिए कि इनके जैसा हस्बैंड मिलना बहुत ही कम होता है और इनके जैसा पत्नी मिलना, राधा श्रीवास्तव जी का, दोनों का बहुत ही अच्छा प्रेम है, बहुत अच्छा ही जोड़ी है और काफ़ी अच्छे तरह से एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि मेरे पापा एक ऐसे घर खोज रहे थे जहां पर मैं आराम से रह सकूं और इनको ऐसा घर मिला कि हर कोई कोऑपरेट दिया, जिसमें अमित जी के पूरे फैमिली यानी इनके पिताजी और इनके पिताजी दो नहीं हैं, बिल्कुल एक हैं और एक समान की तरह रहते हैं और गाते हैं और हंसते और खिलते रहते हैं। तो इनके लिए मैं इंग्लिश में एक कोटेशन कहना चाहता हूं कि मे यू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर, जिस तरह से सात कलर खिलते रहते हैं उसी तरह से हमारे जो हैं अमित जी और राधा श्रीवास्तव जी भी खिलते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। और तो दोस्तों हम चलते हैं और एक अच्छे वीडियो के साथ मिलते हैं और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे श्री राधा श्रीवास्तव जी के साथ मुंबई में। जय हिंद, जय भारत।